री गुड मॉर्निंग क्लास थर्ड तो आज हम करेंगे सिलेबस का चैप्टर नंबर फर्स्ट कंप्यूटर बेसिक्स ठीक है कंप्यूटर के बारे में बेसिक्स जो होता है नॉलेज होता है ठीक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे ठीक है तो नीचे आपको यहाँ पर ऑब्जेक्टिवस दिया है कि इस चैप्टर में आपके पास क्या क्या होगा पढ़ने के लिए तो सबसे पहले है यूज ऑफ कंप्यूटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर IPO cycle, input and output and storage device, hardware and software. ठीक है तो uh, objectives में है आपको सबसे पहले आएगा uses of computer, computer का use कहाँ और कैसे किया जाता है. Number two characteristics of computer, computer के characteristics क्या क्या होते हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे. IPO cycle के होता क्या है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ठीक है इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस होता क्या है इसके बारे में हम पढ़ेंगे और हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बारे में हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में ठीक है तो यहां पे आपको बताया एक कार्टून दिया गया है ठीक है इसमें लिखा हुआ है यू नो अलादीन वी बोथ नो हाउ टू यूज दिस टी वी रिमोट कंट्रोल वी कैन चेंज चैनल इंक्रीज वॉल्यूम एंड एडजस्ट अदर सेटिंग ठीक है तो अला से यहाँ बोल रहा है कि आ, ये टी वी का जो रिमोट कंट्रोल है उसमें हम क्या क्या कर सकते हैं क्या यूज़ है उसके ठीक है तो इसमें हम चैनल चेंज कर सकते हैं इंक्रीज वॉल्यूम को इंक्रीज या कम कर सकते हैं डिक्रीज़ कर सकते हैं ठीक है थीके? और बहुत सारे सेटिंग्स होते हैं जिससे कि हम एडजस्ट कर सकते हैं वट अबाउट कंप्यूटर्स अब अला अलादीन, अलादीन बोल रहा है कि कंप्यूटर्स का क्या ठीक है डू यू नो हाउ टू यूज़ दम आपको पता है कि कंप्यूटर्स को कैसे यूज़ किया जाता है कम अस स्टार्ट टुडे बाय लर्निंग द बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर तो आज हम बेसिक्स कंप्यूटर के बेसिक्स के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले है कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन दैट वर्क्स अकॉर्डिंगली टू द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय आस कंप्यूटर जो है एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन है इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतलब जो कि इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है मशीन ठीक है सबको पता है कि कंप्यूटर जो है वो लाइट यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पे चलता है इलेक्ट्रिसिटी पे चलता है ठीक है और कंप्यूटर जो है हम जो इंस्ट्रक्शंस देते हैं उसके अकॉर्डिंगली काम करना शुरू करता है ठीक है हम बोलेंगे अगर हम एक्ट करेंगे कंप्यूटर को ऑन करना तो हम जो कंप्यूटर है वो ऑन होगा ऑफ़ करना चाहते हैं शट डाउन होगा ठीक है और भी बहुत सारे इसमें चेंजेस हम कर सकते हैं द यूसेज ऑफ कंप्यूटर हैज़ ग्रोन इन द पास्ट फ्यू ईयर्स कंप्यूटर का जो यूज़ है ठीक है वो ज़्यादा हो चुका है ठीक है बहुत ज़्यादा हो चुका है इन पास्ट फ्यू ईयर्स कुछ सालों में कंप्यूटर्स का यूज़ जो है वो बहुत सारे लोग करने करने लगे है ठीक है तो सबसे पहले है यूजेस ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन एव आवर एवरीडे लाइफ हमारे जो एवरीडे लाइफ जो रोज़मर की ज़िंदगी है उसमें कंप्यूटर का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है लेटस्ट लुक एट सम ऑफ द एरियाज़ वेयर कंप्यूटर आर यूज अब हम देखेंगे कुछ ऐसी जगहों का जगहों पे जहाँ पे कंप्यूटर का ज़्यादातर यूज़ होता है ठीक है तो ऑन पेज नंबर टू वी हैव सब सबसे पहले है एट होम कंप्यूटर आर यूज फॉर ड्राॅइंग पिक्चर्स टाइपिंग लेटर्स एंड असाइनमेंट्स पेइंग बिल्स बुक बुकिंग टिकट्स लिसनिंग टू म्यूजिक एंड वॉचिंग मूवीज ठीक है तो घरों में जो कंप्यूटर का यूज होता है वो हम पिक्चर्स ड्रा करने के लिए यूज़ करते हैं लेटर्स या कोई असाइनमेंट टाइप करना हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ठीक है बिल्स अगर किसी आ, किसी आ, लाइट का बिल हो या पानी का बिल हो या कोई कोई भी बिल हो ठीक है वो हम कंप्यूटर्स की हेल्प से हम पे कर सकते हैं ठीक है टिकट्स हम बुक कर सकते हैं कंप्यूटर के हेल्प से और हम गाना और मूवीज़ देख सकते हैं गाना सुन सकते हैं और हम मूवीज़ देख सकते हैं कंप्यूटर्स पे ठीक है तो ये हम घरों में मोस्टली करते हैं कंप्यूटर के हेल्प से ठीक है नेक्स्ट है कंप्यूटर आर यूज फॉर स्टोरिंग लिस्ट ऑफ आइटम्स एंड मेकिंग बिल्स इन शॉप्स ठीक है तो कंप्यूटर का यूज़ जो है हम कोई भी लिस्ट बनाने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है ठीके, कोई भी खरी शॉपिंग करना जाना हो अगर आ, हमें ठीक है और हमें बहुत सारा सामान खरीदना हो तो हम शॉपिंग का लिस्ट जो है वो बना सकते हैं ठीक है और कोई किसी सामान का हमें प्राइस पता है ठीक है और हमें बिल बनाना है किसी शॉप में ठीक है तो उसके लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है ठीक है नेक्स्ट इज़ एट स्कूल कंप्यूटर आर यूज फॉर टाइपिंग सर्कुलर्स टेस्ट पेपर्स प्रिपेयरिंग टाइम टेबल मेंटेनिंग फी रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट एक्सेट्रा तो स्कूल में कंप्यूटर का यूज़ हम किस लिए करते हैं टाइपिंग करने के लिए करिकुलर्स टाइप करने के लिए ठीक है जैसे कि आप लोग का टाइम टेबल हमने बनाया है कंप्यूटर्स पे ठीक है आपका जो एग्ज़ाम का पेपर है वो हम कंप्यूटर्स पे बना सकते हैं ठीक है थीके? टाइम टेबल बना सकते हैं आपने जो फीस भरा है उसका हम रिकॉर्ड रख सकते हैं स्कूल्स में ठीक है और भी बहुत सारे काम होते हैं कंप्यूटर आर ऑल्सो यूज़ फॉर टीचिंग इन स्कूल कंप्यूटर का यूज़ हम स्कूल्स uh, में टीच करने के लिए पढ़ाने के लिए भी यूज़ करते हैं द यूज़ ऑफ कंप्यूटर हैज़ मेड लर्निंग ईजी एंड इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट तो कंप्यूटर के यूज से जो स्टूडेंट्स है वो पढ़ने में ज़्यादा ईजी हो जाता है ठीक है और आपका जो बुक्स है वो बुक्स देखने के वजह आप कंप्यूटर्स पर देखोगे तो वह ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगता है ठीक है कंप्यूटर आर यूज फॉर सेंडिंग एंड रिसिविंग मेल्स स्टोरिंग रिकॉर्ड्स एंड डूंगइंग कैलुलेसन इन ऑफिस एंड बैंक्स ठीक है तो ऑफिस और बैंक्स में कम्प्यूटर का यूज़ हम आ, कोई भी मेल होगा ठीक है आपको मैसेज आया होगा वो आप सेंड कर सकते हो आप कोई भी मैसेज जो है या कोई भी मेल है आप रिसीव कर सकते हो ठीक है स्टोरिंग रिकॉर्ड्स एंड डूइंग कैलकुलेशन आप रिकॉर्ड्स भी रख सकते हो ठीक है और कैलकुलेशन भी कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर्स ठीक है इन बैंक्स एंड ऑफिस ठीक है नेक्स्ट इज एट रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन में कंप्यूटर का कैसे यूज़ किया जाता है कंप्यूटर किप ट्रैक ऑफ द डिटेल लाइक अराइवल एंड डिपार्चर टाइम ठीक है कंप्यूटर के हेल्प से आपका जो फ्लाइट होगा या ट्रेन होगा ठीक है उसका अराइवल कितने बजे पहुंच रहा है कितने बजे कौन सा ट्रेन जो है वो डिपार्ट होगा मतलब चलने लगेगा ठीक है उसका हम रिपोर्ट रख सकते हैं ट्रैक कर सकते हैं एंड नंबर ऑफ सीट्स अवेलेबल इन द ट्रेन और एन एरोप्लेन ठीक है और कितने सीट्स बचे हुए हैं ट्रेन में या किसी एरोप्लन में ठीक है उसका भी हम रिकॉर्ड uh, रख सकते हैं देख सकते हैं ठीक है नेक्स्ट इज इन हॉस्पिटल्स हॉस्पिटल्स में कंप्यूटर का क्या यूज़ होता है कंप्यूटर आर यूज फॉर मेनटेनिंग द रिकॉर्ड ऑफ पेशेंट टेस्टिंग आइज एक्सेट्रा ठीक है हॉस्पिटल्स में हम क्या कर सकते हैं पेशेंट्स के रिकॉर्ड्स uh, को मेंटेन करके रख सकते हैं ठीक है जैसे कि पेशेंट का बीपी अगर आज ज़्यादा है तो वो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं अगर कम है तो हम वो रिकॉर्ड करके रख सकते हैं कितन कौन से पेशेंट ने कितना फीस भरा है वो आप रिकॉर्ड कर करके रख सकते हो और आपके आ, और क्या कर सकते हैं टेस्टिंग आईज ठीक है eyes, आपका जो आई का टेस्ट होगा जब उसका हम नंबर्स जो है वो हम रिकॉर्ड करके रख सकते हैं वेरियस मेडिकल टेस्ट एंड प्रिपेरेशन ऑफ रिपोर्ट इज डन यूजिंग कम्प्यूटर्स ठीक है बहुत सारे मेडिकल टेस्ट ठीक है और रिपोर्ट्स बनाने में कम्प्यूटर का यूज होता है इन हॉस्पिटल्स ठीक है कंप्यूटर आर यूज फॉर डिज़ाइनिंग बिल्डिंग ए एरोप्लेन एंड क्लोथ एक्सेट्रा कंप्यूटर्स के हेल्प से हम बिल्डिंग का डिज़ाइन बना सकते हैं कोई भी एरोप्लेन का डिज़ाइन हम बना सकते हैं या कोई क्लोथ होगा उसको डिज़ाइनर बनाना है ठीक है आप वो भी कंप्यूटर की हेल्प से कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट इज कंप्यूटर आर वेरी यूजफुल फॉर साइंटिफिक रिसर्च ठीक है कंप्यूटर जो है बहुत ही यूज़फुल होता है साइंटिफिक रिसर्च के लिए ठीक है साइंट जो साइंटिस्ट होते हैं वो अपने रिसर्च के लिए कंप्यूटर का यूज़ करते हैं दे आर ऑल्सो यूज फॉर लॉन्चिंग सेटेलाइट वेदर फोकास्टिंग एक्सेट्रा तो कंप्यूटर के हेल्प से हम कोई भी सेटेलाइट होगा उसको हम लॉन्च कर सकते हैं ठीक है ठीके? कितने बजे लॉन्च करना है वो सब रिकॉर्ड हम रख सकते हैं ठीक है ठीके? और वेदर फोकास्टिंग मतलब आज का मौसम कैसा रहेगा या कल का मौसम कैसा रहेगा ठीक है आपको पता चल जाता है ठीक है अपने फ़ोन पे तो वो जो है हम कंप्यूटर के हेल्प से हम कर सकते हैं ठीक है ठीके? तो यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स में हमने आठ जगहों पे देखा कि कैसे हम कंप्यूटर का यूज़ कर सकते हैं सबसे पहले होम देन शॉप्स स्कूल्स ऑफिस एंड बैंक्स रेलवे स्टेशन एंड एयरपोर्ट्स हॉस्पिटल्स डिज़ाइनिंग और साइंटिफिक रिसर्च ठीक है टोटल हो गया एट ठीक है नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर कंप्यूटर के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं कंप्यूटर हैज़ सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्राम अदर मशीन कंप्यूटर्स के कंप्यूटर्स में बहुत सारे ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स है जिससे कि आप क्या कर सकते हो जो आज जो दूसरे मशीन से उससे इसको कंप्यूटर को अलग कर सकते हैं ठीक है थीके? जैसे कि स्पीड ठीक सब है सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है स्पीड अ कंप्यूटर कैन परफॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कैलकुलेशन क्विकली कंप्यूटर में हम बहुत बड़ा कैलकुलेशन भी बहुत जल्दी कर सकते हैं तो सबसे तो पहले है कैरेक्टरिस्टिक्स में स्पीड ठीक है देन एक्यूरेट एक्यूरेट मतलब सही जो कंप्यूटर है वो जो भी आंसर देता है वो आंसर एक्यूरेट होता है मतलब सही होता है कंप्यूटर ऑलवेज गिव्स करेक्ट रिजल्ट ठीक है कोई भी कैलकुलेशन आप कर रहे हो कोई भी मल्टीप्लीकेशन डिवीजन कर रहे हो या प्लस कर रहे हो माइनस कर रहे हो उसका जो रिजल्ट आएगा वो एक्यूरेट यानी कि सही आएगा करेक्ट आएगा ठीक है नेक्स्ट इज डिलीजेंट अ कंप्यूटर डज नॉट गेट टायर्ड कंप्यूटर कभी थकता नहीं है इट कैन कीप वर्किंग फॉर लॉन्ग आवर्स एंड कैन डू द सेम वर्क अगेन एंड अगेन कंप्यूटर जो है वो कभी थकता नहीं है बहुत टाइम तक ठीक है वो सेम काम दोबारा दोबारा कर सकता है नंबर नंबर फोर इज़ रिलाईबल कंप्यूटर डज नॉट मेक मिस्टेक्स ठीक है तो कंप्यूटर में कोई भी गलती नहीं होती है ठीक है तो दिस आर द फोर मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ठीक है कंप्यूटर्स के चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं नंबर वन स्पीड नंबर टू एक्यूरेट नंबर थ्री डेलीजेंट नंबर फोर रिलायबल ठीक है नेक्स्ट ऑन पेज नंबर फोर वी हैव वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर कंप्यूटर कैसे काम करता है बिफोर वी डिस्कस द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर लेट लेटर स्टडी से सम डेली लाइफ एग्जांपल टू अंडरस्टैंड हाउ सर्टेन टास्क परफॉर्म बाय फॉलोइंग द आईपीओ पी साइकल ठीक है तो वर्किंग ऑफ कंप्यूटर पढ़ने से पहले हम ये थोड़ा एग्जाम्पल दे देते हैं हमने अपने जो डेली लाइफ बेसिस पे जो एग्जाम्पल होगा ठीक है जिसमें कि आई साइकिल का यूज़ होता है ठीक है आई मतलब आई का फुल फॉर्म है इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल ठीक है इसका हम डेली लाइफ एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है हमें नंबर वन अस स्टडी सम कॉमन डेली लाइफ एग्जाम्पल ऑफ आई पी ओ साइकिल ठीक है तो डेली uh, लाइफ में हम जो रोज़ाना लाइफ में करते आ रहे हैं करते जाएंगे ठीक है तो उसका यहाँ पे एग्ज़ाम्पल की तरह दिया गया है कि आई पी ओ साइकिल कैसे यूज़ होता है फॉर एग्ज़ाम्पल टू प्रिपेयर पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा बनाने के लिए हमें इनपुट के लिए एक पिज़्ज़ा बेस चाहिए ठीक है ऊपर रखने के लिए हमें कोई uh, Uh, सब्जी चाहिए लाइक like अनियन रखा हुआ है कैप्सिकम रखा हुआ है ठीक है और भी और चीज़ हमें चाहिए ठीक है तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल इनपुट में हमको दिखाया गया है तो इनपुट में यहाँ पे हमें कम पिज़्ज़ा बेस ठीक है वेजिटेबल्स और चीज़ रखा हुआ है ठीक है इसको हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे उसके बाद हम ओवन में डालेंगे ठीक है ओवन में उस बेस को हम डालेंगे जिस पे हमने वेजिटेबल्स और चीज़ रखा हुआ है तो ये जो ओवन में होगा वो है प्रोसेस ठीक है सबसे पहले जो आ रहा है बीज या पिज़्ज़ा बीज या फिर चीज़ या फिर वेजिटेबल्स है वो है इनपुट ठीक है और जो हम ओवन में डाल रहे हैं उसको हम कहेंगे प्रोसेस और उसके बाद जो हमें पिज़्ज़ा बन के आएगा पक के आएगा उसको हम कहेंगे आउटपुट ठीक है पिज़्ज़ा एंड टॉपिंग्स बेक पिज़्ज़ा इन माइक्रोवेव ओवन हॉट या पिज़्ज़ा ठीक है दूसरा आपको एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया है टू प्रिपेयर मैंगो शेक मैंगो शेक बनाने के लिए हमें क्या चाहिए एक मिक्सर चाहिए और एक मैंगो पल्प चाहिए शुगर चाहिए हमें मिल्क चाहिए ठीक है तो ये चीज तीनों चीज़ें हमें चाहिए ठीक है मैंगो पल्प शुगर और मिल्क ये तीनों हो गया इनपुट नेक्स्ट इज हमें ब्लेंड इन अ मिक्सर ग्राइंडर हमें एक मिक्सर चाहिए जिसमें हम ये इन तीनों चीज़ों को डाल के हम इसको ब्लेंड करेंगे ठीक है प्रोसेस होगा ठीक है उसके बाद हमें शेक बन के आएगा जो शेक बन के आएगा उसको हम कहेंगे आउटपुट ओके नेक्स्ट इज़ टू मेक क्ले मॉडल क्ले मॉडल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए हमें चाहिए इनपुट के लिए एक क्ले ठीक है अलग अलग कलर्स के क्ले चाहिए हमें ठीक है उसको हम प्रोसेस करेंगे चाइल्ड शेपिंग द क्ले ठीक है जो बच्चा है वो क्ले uh, को शेप दे रहा है ठीक है उसके बाद है आउटपुट जो हम आ, इस क्ले के हेल्प से जो हम आ, ट्वाइस बनाएंगे उसको कहेंगे हम आउटपुट ठीक है सिमिलरली अ कंप्यूटर आल्सो फॉलोज अ आईपीओ साइकिल साइकल इसी तरह कंप्यूटर भी आईपीओ साइकिल जो है वो यूज़ करता है फॉलो करता है अ कंप्यूटर रिसीव डाटा और इंस्ट्रक्शन थ्रू द इनपुट डिवाइस ठीक है तो कंप्यूटर जो है इनपुट डिवाइस से इंस्ट्रक्शंस और या डाटा जो है वो रिसीव करता है द एंटर डाटा इज़ प्रोसेस्ड और चेंज इन टू मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन बाई द सी पी यू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सी पी यू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ठीक है तो सी पी यू में क्या होगा जो हमने डाटा डाला है जो हमने इंस्ट्रक्शंस डाला है ठीक है विद द हेल्प ऑफ इनपुट डिवाइस वो जो डाटा है वो मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन में चेंज होगा कन्वर्ट होगा the result of the processing is known as output जो result आएगा वो हमें monitor पे दिखाया जाएगा ठीक है तो उसको हम कहेंगे output the output is displayed through the output device जो output है वो output device पे display होगा storage device are used to store the result or the output so that they can be used later ठीक है तो storage device में क्या होगा जो आपने एंटर uh, किया है कोई भी डाटा कोई भी इंस्ट्रक्शंस ठीक है तो वो जो है वो स्टोर करके रहे है ठीक है स्टोरेज डिवाइस में जिसको हम दोबारा से हम बाद में भी देख सकते हैं द फॉलोइंग डायग्राम इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ द वर्किंग ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम इन रिलेशन टू आई पी ओ साइकिल ठीक है cycle, तो यहाँ पर आपको नीचे फोटोज uh, के साथ दिखाया हुआ है कि आई पी ओ साइकिल कैसे यूज uh, होता है ठीक है तो सबसे पहले इनपुट डिवाइस में हम कीबोर्ड के हेल्प से कोई भी अल्फ़ाबेट कोई भी नाम कोई भी हम नंबर इसमें से डाल सकते हैं जो कि प्रोसेस होगा सीपीयू में दिस बॉक्स इज़ नॉन एज सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू ठीक है जो डाटा है वो इसमें प्रोसेस होगा और जो आउटपुट डिवाइस में है हमें जो मॉनिटर होगा हमारे पास उस पर जो है आउटपुट जो है डाटा जो है वो दिखना शुरू होता है ठीक है क्विक फैक्ट गीगो स्टैंड फॉर गार्बेज इन गार्बेज आउट इट मीन्स इफ़ यू गिव वेस्ट इनपुट यू गेट वेस्ट आउटपुट गीगो का मतलब ये गीगो से हमें क्या गीगो का फुल फॉर्म है गार्बेज इन जी से गार्बेज आई से इन जी से गार्बेज ओ से आउट ठीक है गार्बेज इन गार्बेज आउट ठीक है जिसका मतलब है अगर आप कोई भी इनपुट आप गलत इनपुट इसमें डालोगे तो आउटपुट में भी आपको गलत ही रिजल्ट आएगा ठीक है तो बच्चों आई होप आपको आई पी ओ साइकिल यानी कि इनपुट प्रोसेस आउटपुट साइकिल जो है वो आपको पता चल गया होगा ठीक है उसके बाद हम करेंगे इनपुट डिवाइस इनपुट डिवाइस होता क्या है ठीक है द इनपुट डिवाइस allow यू टू कम्युनिकेट विथ द computer. इनपुट डिवाइस के हेल्प से आप कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट कर सकते हो दे आर यूज टू एंटर डाटा एंड इंस्ट्रक्शंस इनपुट डिवाइस के हेल्प से आप डाटा इंटर कर सकते हो और इंस्ट्रक्शंस आप एंटर कर सकते हो फॉर एग्जांपल कीबोर्ड, माउस स्कैनर माइक्रोफोन और इनपुट डिवाइस एग्जांपल के लिए कीबोर्ड जो है माउस जो है वो स्कैनर uh, जो है या फिर माइक्रोफोन होगा वो सब क्या है इनपुट डिवाइस ठीक है तो सबसे पहले यहाँ पे हमें कीबोर्ड के बारे में बताया है द कंप्यूटर कीबोर्ड हैज़ मैनी कीज़ ऑन ईट ठीक है तो कंप्यूटर कीबोर्ड पे बहुत सारे कीज होते हैं ठीक है थीके? जैसे कि यहाँ फोटो में दिखाया हुआ है बहुत सारे कीज है यहाँ पे अल्फ़ाबेट कीज है नंबर कीज है ठीक है और भी स्पेशल कीज यहाँ पे दिया गया है ठीक है यू कैन टाइप और एंटर डाटा बाई प्रेसिंग वेरियस कीज ऑन द की बोर्ड की बोर्ड पर आप अलग अलग कीज प्रेस करके आप कोई भी डाटा एंटर कर सकते हो यू विल लर्न मोर अबाउट द कीबोर्ड इन नेक्स्ट चैप्टर आपको कीबोर्ड के बारे में और भी जानकारी दिया जाएगा नेक्स्ट चैप्टर में ठीक है नेक्स्ट ऑन पेज नंबर सिक्स वी हैव माउस अभी हमने पढ़ा था कीबोर्ड के बारे में अब हम पढ़ेंगे माउस के बारे में माउस हेल्प आज टू पॉइंट एंड सिलेक्ट थिंग्स ऑन अमोनिटर ठीक है माउस के हेल्प से आप किसी भी वर्ड uh, को या किसी भी चीज़ को आप पॉइंट आउट कर सकते हो और मॉनिटर पे जो वर्ड लिखा होगा आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हो यू कैन एंटर और इनपुट डाटा बाय क्लिकिंग और क्लिकिंग द माउस आप क्या कर सकते हो माउस पे क्लिक करके आप कोई भी डाटा एंटर कर सकते हो या कोई भी इनपुट आप कर सकते हो नाउ आ डेज अ स्क्रोल माउस कॉमनली used a scroll mouse has a wheel in center of the two button this wheel is called scroll wheel you can move up and down a page by moving this wheel ठीक है तो आजकल हम scroll mouse जो है वो use करते हैं scroll mouse में क्या होता है एक छोटा सा ball होता है ठीक है center में ठीक है तो स्क्रोल माउस में आपको यहाँ पे ये है स्क्रोल माउस ठीक है इसमें जो है बीच में आपको एक व्हील दिखाई देगा ठीक है और साइड में दो बटन्स दिया गया होगा ठीक है दिस व्हील इज कॉल स्क्रोल व्हील ठीक है तो इस व्हील को हम कहेंगे स्क्रोल व्हील ठीक है यू कैन मूव अप एंड डाउन द पेज बाय मूविंग दिस व्हील ठीक है इस व्हील को आप मूव करके आप अपने पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो ठीक है मैं आपको दिखा देती हूँ माउस ठीक है सो यस दिस इज स्क्रोल माउस ठीक है इसके बीच में जो है वो एक व्हील है ठीक है साइड में दो बटन्स है ठीक है एक यहाँ पे बटन है एक यहाँ पे बटन है और बीच में स्क्रोल व्हील है ठीक है इस व्हील से आप पेज को ऊपर नीचे कर सकते हो ठीक है a mouse can be a ball mouse an optical mouse or a wireless mouse mouse jo hai wo teen tarah ka ho sakta hai number 1 ball mouse theek hai ball mouse yahan pe figure 1.11 mein dikhaya hua hai number 2 optical mouse theek hai aur number 3 wireless mouse theek hai तो ball mouse होता क्या है? a ball mouse has a rubber or a metal ball under it ball mouse में ball माउस में यहाँ पे नीचे जो है इसके जगह पे एक बॉल आएगा यह रबर का हो सकता है मेटल का भी हो सकता है ठीक है वैन यू मूव ऑन द माउस पैड द बॉल जो है वो मूव करता है आप माउस पैड पे आपने माउस को मूव करते हो तो वो जो बॉल है वो मूव करता है ठीक है नंबर टू एन ऑप्टिकल माउस हैज़ अ राइट लाइट रेड लाइट अंडर इट ठीक है तो दिस इज जो मेरे पास माउस है वो है ऑप्टिकल माउस ठीक है जब इसको आप कनेक्ट करोगे तो इसके नीचे एक रेड लाइट जो है वो जलेगा ठीक है तो उस लाइट्स के हेल्प से जो माउस है वो वर्क करता है ठीक है नंबर थ्री अ वायरलेस माउस इज़ नॉट अटैच टू कंप्यूटर थ्रू अ वायर वायरलेस माउस में कोई भी वायर नहीं होता है ठीक है इंस्टेड इट कम्युनिकेट्स विद द कंप्यूटर यूजिंग सिग्नल लाइक द वे यू यूज रिमोट कंट्रोल फॉर द टेलीविजन ठीक है तो अब वायर की जगह पे इनमें सिग्नल्स दिया जाता है जैसे आप रिमोट कंट्रोल में देख सकते हो रिमोट टीवी के रिमोट में कोई भी वायर नहीं होता है स्टिल इट वर्क्स ठीक है फिर भी आप यूज़ कर सकते हो सेम उसी तरह माउस भी हो सकता है होता है ठीक है जिसको हम वायरलेस माउस कहते हैं अ वायरलेस माउस इज मोर एक्सपेंसिव देन एन ऑप्टिकल और अ बॉल माउस तो वायरलेस माउस जो है वो ज़्यादा महंगा होता है एज कंपेयर टू ऑप्टिकल माउस एंड द बॉल माउस ठीक है यू कैन परफॉर्म डिफरेंट एक्शन विद द कंप्यूटर माउस दे आर डिस्कस्ड हियर ठीक है तो माउस में आप बहुत सारे काम कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे बताया हुआ है नंबर वन लेफ्ट क्लिक तो लेफ्ट uh, क्लिक में व्हेन यू प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन इट इज कॉल्ड लेफ्ट क्लिक ठीक है तो आपका जो हैंड है उसका लेफ्ट साइड कौन सा है दिस वन इज लेफ्ट साइड ठीक है जब आप इसको एक बार प्रेस करके रिलीज करते हो इसको हम कहेंगे लेफ्ट क्लिक ठीक है लेफ्ट क्लिकिंग द माउस बटन लेट्स यू सिलेक्ट एन आइटम ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन ठीक है लेफ्ट जब आप क्लिक करोगे ठीक है लेफ्ट बटन ये जो बटन है आप क्लिक करोगे तो आपका क्या होगा जो आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे जो भी आइटम्स होगा आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो फॉर एग्जाम्पल यू क्लिक यू लेफ्ट क्लिक ऑन द स्टार्ट बटन टू ओपन द स्टार्ट मेन्यू ठीक है अगर आपको स्टार्ट मेन्यू ओपन करना है आप लेफ्ट क्लिक कर करके आप स्टार्ट बटन पे जाओगे लेफ्ट क्लिक करोगे तो आपको स्टार्ट मेन्यू दिखाई देगा ठीक है नेक्स्ट इज राइट क्लिक दिस वन इज द लेफ्ट क्लिक तो ये हो गया राइट क्लिक राइट when you press and release the right mouse button it is called right click same ठीक है आप जब right button को press करके release करोगे छोड़ दोगे press करके छोड़ दोगे आपको इसको कहोगे right click right clicking a mouse display a list of option related to the clicked item ठीक है तो राइट क्लिक आप जब आप करोगे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे ठीक है जैसे आप रिफ़्रेश करने का ऑप्शन आता है ठीक है बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस आएंगे अगर आप किसी आइटम को क्लिक करके आ, राइट क्लिक करोगे तो उसके बारे में आपको डिफरेंस आपको ऑप्शंस मिलेगा फॉर एग्जांपल व्हेन यू राइट क्लिक द कंप्यूटर आइकन इट डिस्प्ले द लिस्ट ऑफ ऑप्शन रिलेटेड टू कंप्यूटर अगर आप राइट क्लिक करोगे कंप्यूटर आइकन पे जाके तो ये जो है कंप्यूटर के बारे में जो भी आपको इम्पोर्टेंट मैसेजेस होंगे या इस उस कंप्यूटर में जो भी आपको फोल्डर्स होगा या फाइल होगा उसके बारे में आपको बताया जाएगा नेक्स्ट इज डबल क्लिक व्हेन यू क्विकली प्रेस एंड रिलीज द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस इट इज़ कॉल्ड डबल क्लिकिंग ठीक है तो डबल क्लिकिंग यहाँ पर मैं करके दिखाती हूँ एक बार क्लिक कर दिया ठीक है दिस इज़ लेफ़्ट क्लिक ऑनली ठीक है आप क्या करोगे दो बार क्लिक करोगे क्लिकिंग की आवाज़ आ रही है ठीक है ठीक है तो इसको हम कहेंगे डबल क्लिक आप जल्दी जल्दी से एक बार प्रेस करोगे छोड़ दोगे दूसरी बार प्रेस करोगे छोड़ दोगे ठीक है उसको कहेंगे डबल क्लिकिंग अब डबल क्लिकिंग से क्या होगा डबल क्लिकिंग ऑपन द विंडो और द प्रोग्राम रिलेटेड टू तो द क्लिक आइटम डबल क्लिक में क्या होगा आपको जो भी विंडो आप क्लिक आप क्लिक कर रहे हो ठीक है किसी भी विंडो पे आप क्लिक कर रहे हो डबल क्लिकिंग करोगे तो विंडो जो है वो खुल जाता है फॉर एग्जाम्पल वेन यू डबल क्लिक द रिसाइकल बिन आइकन इट ओपन्स द विंडो डिस्प्ले द कंटेंट ऑफ रिसाइकल बिन ठीक है जब आप रिसाइकल बिन पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो ये जो रिसाइकल बिन में जो भी आपने डिलीट करके रखा हुआ है वो आप देख सकते हो ठीक है नेक्स्ट है ऑन पेज नंबर सेवन ड्रैक एंड ड्रॉप ऑप्शन ठीक है ड्रैक एंड ड्रॉप इज़ यूज टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन आइटम ठीक है अगर आपको किसी भी फोल्डर का पोजीशन चेंज करना है एक जगह से दूसरी जगह आपको लेके जाना है आप ड्रैक एंड ड्रॉप कर सकते हो ड्रैक मतलब खींचना ठीक है ड्रॉप मतलब छोड़ देना ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज़ ड्रैक एंड ड्रॉप टू चेंज द पोजिशन ऑफ एन आइकन ऑन द डेस्कटॉप ठीक है आप डेस्कटॉप पे ड्रैग और ड्रॉप जो है पोजीशन आइकन का पोजीशन आप चेंज कर सकते हो ठीक है नेक्स्ट इज स्कैनर जस्ट आ फोटो मशीन कॉपीज टेक्स्ट एंड इमेज फ्रॉम वन पेपर टू अनादर आ स्कैनर कॉपीज द टेक्स्ट एंड इमेज फ्रॉम पेपर ऑन टू कंप्यूटर ठीक है जैसे एक फोटो कापी मशीन जो है आपका कॉपीज जो है कोई भी इमेज होगा कोई भी टेक्स्ट होगा वो एक पेपर से दूसरे पेपर पे सेम एज इट इज़ कॉपी करके देता है वैसे ही एक स्कैनर जो है कॉपीज़ द टेक्स्ट एंड इमेज फ्रॉम पेपर ऑन अ कंप्यूटर स्कैनर क्या करता है कंप्यूटर पेपर uh, से कंप्यूटर में स्कैन करके सेम फोटोकॉपी देता है इन अदर वर्ड्स आ स्कैनर एन इलेक्ट्रॉनिक कॉपी ऑफ अ प्रिंटेड पेपर ठीक है दूसरे शब्दों में कहा जाए तो स्कैनर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉपी बनाता है प्रिंटेड पेपर का ठीक है आपको फॉर एग्जांपल इस पेज का कोई प्रिंट आपके बुक में चाहिए तो आप स्कैनर के हेल्प से वो कर सकते हो सेम ऐसे ही आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में दिखेगा ठीक है स्कैनर के हेल्प से ये भी एक इनपुट डिवाइस है ठीक है नेक्स्ट इज माइक्रोफोन माइक्रोफोन भी एक इनपुट डिवाइस है अ माइक्रोफोन इज यूज टू इनपुट साउंड इन टू अ कंप्यूटर माइक्रोफोन से हम साउंड जो है वो कंप्यूटर में डाल सकते हैं इट कैन बी यूज टू रिकॉर्ड डिफरेंट साउंड ठीक है माइक्रोफोन हम बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट साउंड्स को रिकॉर्ड करने के लिए भी कर सकते हैं ठीक है ठीके? एक माइक की तरह है माइक्रोफोन ठीक है फॉर एग्जाम्पल यू कैन न अ स्टोरी और रिसाइट अ पोइम एंड गेट इट रिकॉर्डेड ऑन अ कंप्यूटर यूजिंग दिस माइक्रोफोन ठीक है आप कोई भी स्टोरी बता रहे हो या कोई भी पॉइम सुना रहे हो ठीक है आप इसको रिकॉर्ड करके ठीक है आप इसमें बोलोगे माइक्रोफोन में बोलना शुरू करोगे कोई भी पॉइम बोलोगे ठीक है कोई भी स्टोरी पर पढ़ोगे ठीक है आप इसमें बोलोगे आपके कंप्यूटर में माइक्रोफोन के हेल्प से आप रिकॉर्ड कर सकते हो ठीक है तो नीचे आपको क्विक क्वेश्चन दिया गया है ठीक है जल्दी जल्दी आपको आंसर करना है ठीक है जो हमने अभी तक पढ़ा उसका आंसर यहाँ पे लिखना है मैच द फॉलोइंग फर्स्ट अ कंप्यूटर वर्क्स बाय फॉलोइंग दिस साइकिल कंप्यूटर कैसे वर्क करता है इस साइकिल को फॉलो करके कौन सा साइकिल है नंबर फोर आई साइकिल ठीक है नंबर बी डिवाइस फॉर कॉपिंग टेक्स्ट फ्रॉम पेपर ऑन कंप्यूटर ठीक है अभी हमने पढ़ा कौन सा डिवाइस जो है वो पेपर से कंप्यूटर पे कॉपी करने के लिए यूज होता है दैट इज़ स्कैनर नंबर सिक्स ठीक है नंबर सी क्विकली प्रेसिंग द लेफ्ट माउस बटन ट्वाइस आप दो बार लेफ्ट माउस बटन को जल्दी जल्दी प्रेस करोगे उसको क्या कहेंगे डबल क्लिक नंबर डी रिकॉर्ड द वॉइस किसके हेल्प से हम वॉइस को रिकॉर्ड कर सकते हैं माइक्रोफोन ठीक है एन इनपुट डिवाइस यूज फॉर टाइपिंग टाइपिंग के लिए हम कौन सा इनपुट डिवाइस यूज़ करते हैं कीबोर्ड. राइट उसके बाद है टू चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का हमें पोजीशन चेंज करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे ड्रैग एंड ड्रॉप ठीक है तो ये मैच द फॉलोइंग. आप अपने बुक में कंप्लीट करके आप मुझे सेंड करोगे असाइनमेंट ठीक है आपका होमवर्क है आज ठीक है नेक्स्ट सी जो है हम उसके आगे जो भी हमें हमारा टॉपिक होगा वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे टिल देन आपको ये जो क्विक क्वेश्चन है वो अपने बुक में करना है और मुझे फोटो सेंड करना है अपने असाइनमेंट ग्रुप में ठीक है जब आप ये क्विक क्वेश्चन कंप्लीट करके आप मुझे सेंड करोगे आप अपना नाम और सब्जेक्ट का नाम ठीक है फॉर एग्ज़ाम्पल कंप्यूटर आप साइट में लिख के सेंड करोगे ठीक है ताकि मुझे पता चल सके कि आपने काम किया है कि नहीं और उसका नोट भी मैं रखूँगी ठीक है सो थैंक यू सो मच